हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने मायके ये खूबसूरत पहाड़ों के बीच से। और आजकल मौसम तो यहाँ का आप देख ही सकते हो कितना अच्छा हो रखा है। अभी दिन में कर रही हूँ आज ब्लॉग की स्टार्टिंग और इतनी ठंडी है, घर जाके स्वेटर तो हमको पहनने ही पड़ते हैं, हमेशा का यही है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है मौसम। अभी नहा धो के रेडी हुई हूँ मैं। मैंने कहा दो तीन दिन से तो क्या मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाई, क्योंकि यहाँ पे नेट का काफ़ी इशू हो रखा था। और अभी थोड़ा सही स्टार्ट हो गया तो अब मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी और आपको अपने पहाड़ों के शहर कराऊँगी, अपने मायके ससुराल जहाँ भी जाऊँगी सब दूर दिखाऊँगी। और यही चल रहा है आजकल तो। बाकी मम्मी के यहाँ का किचन विचन का काम अभी भी बाकी है, दरवाजे लगने बाकी है, फर्नीचर वगैरह सब यही चल रहा है। बाहर भी मिस्त्री अभी लगे चुके हैं, इतना काम चल रहा है। मम्मी का किचन दिखा देती हूँ आपको। अभी तो काफ़ी काम बाकी है, टाइल्स वगैरह ये सारी चीज़ें, बस थोड़ा बहुत काम हुआ है किचन का। और इधर भी पिछले बार आई थी तो जब काम ज़्यादा ही था, और अब के बार प्लस्तर वगैरह हो गया है। और भैया भी आ गए हैं मार्केट से, मिस्टर जी बैठे यहाँ पे और मिस्त्री भी लगे हैं, दरवाजे लग रहे हैं। और पहाड़ों का मेरा ये दिखाती हूँ आपको यहाँ का गांव, ये दिख रहा है यहाँ पे खूबसूरत सा पहाड़। और पहाड़ में ऐसे मकान इस तरीके के, और ये खेत हैं। पहले आई थी मैं, खेत बिल्कुल छोटे छोटे गेहूँ के, अभी हरे हरे होने लग गए, हरे हैं पीले होने लग गए हैं। और इस तरीके का पहाड़ है आगे, और ये कार्टून के काम कुछ इस तरीके रहते हैं। घर आके खेलने से फुर्सत ही नहीं है उसको। कैसे मम्मी के यहाँ छोटी सी बकरी भी हो रखी है ये। अभी इधर को चले गई जहाँ पे सब बैठते, गोदी में आके बैठ जाती, क्योंकि भाभी इसको अधिकतर गोदी में ऊपर नीचे ले जाते हैं। और बड़ी प्यारी लग रही है। अब अंदर चले गए, हम यहाँ बैठे थे क्योंकि बारिश के बूंदें आने लग गई है, थोड़ी बहुत धूप भी आ गई, अभी तेज आ गई थी फिर से धूप आ गई थोड़ी बहुत। तो गाइस अभी मैं कार्टून वाटरमेलन इनको दे देंगे। गोलू और कुमकुम तो गए हैं स्कूल, भाभी भी स्कूल गए हैं, और ये काट के बच्चों को दे देती हूँ। मम्मी भैया सब घर में ही है, मोना तो ये कटिंग कर रही हूँ अभी। और इतने बड़े चाकू दे दिया मुझे मोना ने, क्योंकि गांव में तो काफी बड़े बड़े चाकू से काम करते, मेरे से ऐसे होता नहीं है। छोटा वाला लेके आ रही मैंने, दो तो कर दिए इसे, तो काट लेते हैं वाटरमेलन। तो गाइस अभी मामी जी आ चुके स्कूल से। हाय मामी जी भी बड़े शर्माते हैं आने में। तो गाइस अभी मामी जी भी आ चुके, और मामी जी भी टीचर है, और कल मैं मामी जी के स्कूल दिखाऊंगा, वहाँ बच्चों से मिलाऊंगा। मैं भी बहुत पहले गया था वो वाले स्कूल, अब एक बार जाऊंगा मामी जी। ठीक है मामी जी, चलना ठीक है। पर सुबह नींद भी नहीं खुलती मेरी, मैं तो उठ जाऊँगा, फिर कल आपको दिखाएंगे स्कूल। गाइस खाना खाने का टाइम हो गया, आज हरी सब्जी और चावल बने हैं। मिस्टर जी भी बैठे हैं यहाँ पे, खुशा बैठी है, और ये तो बस अभी मैगी खा के नीचे के ही है दो, और भी खा रहे हैं उस रूम में। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, एक कुमकुम दीदी आ गए। तो गाइस अभी कुमकुम दीदी आ चुकी है, खतरनाक हवा चलने लगी है। आ कुमकुम दीदी आ चुकी है मेरी सिस्टर, और पीछे से आ चुका है टाइगर। टाइगर यू गो। अब आएगा गोलू माय ब्रदर। तो गाइस अभी मैं वेट कर रहा हूँ मेरे भाई का, बस भी अभी नहीं दिख रही है, और यहाँ खतरनाक हवा चलने लग गई है। ये बढ़िया सीन आती है ऐसे पहाड़ी पहाड़, ये बढ़िया सीन आती है ना ऐसे, हवा इतनी खतरनाक चलती है ना बहुत तेज, पता नहीं कब आएगा। बड़बड़ भी होने लगी है, बारिश आ रही लगता है। तब गोलू है, फिर गोलू को दिखाते। तो गाइस अभी गोलू के पास आती थी तो उसको लेने जाता हूँ। अभी आ गए कंट्री हेड पब्लिक स्कूल। गए
मैं शाम को छत पे आ चुकी हूँ और बच्चे चले गए सामने ग्राउंड में, और मौसम आप देख रहे हो इतने मतलब ठंडा हो गया है, ये मुझे स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ गई। अब तो मैं अंदर ही जाऊँगी, अभी आई थी थोड़ी देर पहले ही, और बारिश भी आ रही है, हवा इतनी तेज़ चल रही है, और वहाँ का एमपी का मौसम इतनी गर्मी थी कि कूलर ऑन हो गए थे, और यहाँ आके इतनी ठंडी है, आप देख ही सकते हो कितनी ठंडी हो रही है। और बच्चे गए हैं उधर खेलने के लिए, पहाड़ों का मौसम थोड़ी देर में इतना अच्छा हो जाता है, थोड़ी देर में बिल्कुल ठंडा हो जाती है, ऐसा लग रहा है कि ये ठंडी है कि गर्मी है, कोई एहसास ही नहीं हो रहा मौसम का। तो दिखाती हूँ बच्चे कहाँ गए हैं खेलने के लिए आपको। उस जगह खेल रहे हैं अंशु, खुशी, कुमकुम, रोबिन, ये जो स्कूल हमने पढ़ाई करी थी वही स्कूल मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ गए हैं सब खेलने के लिए। हवा इतनी तेज चल रही है, हवा की आवाज तो इतनी तेज आ रही है, आप देख ही सकते हो। मिस्टर जी भी खड़े हैं आंगन में नीचे, और ये कॉलेज है सामने, यहाँ पे ये स्कूल है इधर नीचे। गर्मी में पहाड़ों में आने का यही फ़ायदा रहता है कि इतना अच्छा मौसम हो जाता है। हर साल तो हम एक महीने के लिए आते हैं, इस बार हम दो महीने के लिए आए हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है ये नज़ारा देख के। गाइस बाहर बारिश हो चुकी है और हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ के बैठे ये खेल के आए, इनको भी काफ़ी ठंडी लग रही है। और किस क्या कर रहे हो इसके अंदर, मोबाइल चलाने में लगे हैं दो ही जने, इनकी ऐसी जोड़ी हो रखी है पूछो मत। खेलने के लिए स्कूल से आते ही बिल्कुल नीचे रोड में जाना, लेके आना, फिर खाना पीना खा के खेलते ही रहते हैं, और ये चल रहा है। बाकी ब्लॉग को भी यहीं तक ही रखते हैं, ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।